सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत थोड़े खास प्रोग्राम दे विच। खास इस करके क्योंकि थोड़े सवाल जिहड़े स्टूडेंट वीज़ा संबंधी साढ़े तक पहुँचते हैं उन्हां दा जवाब लैण दी कोशिश की जाती है। एक्सपर्ट्स नूं सद्दा दिता जांदा है, स्टूडेंट वीज़ा बारे गल की जाती है, हर एक चीज़ नूं क्लीयर करन दी कोशिश की जाती जो साढ़े तक पहुँचती है, जिहड़े भी डाउट कन्फ्यूजन बने ने जां जिहड़ी भी मिसगाइडेंस मार्केट दे विच देखण नूं मिलदी है। मेरे नाल वेस्ट यूनिवर्सिटी तो प्रदीप आलियान जी ने पहला भी इस मंच सरिए काफ़ी बार रूबरू हो चुके हैं, सो अज भी गल्लां बातां जिहड़ियां रहणगियां पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। कैनेडा जिहड़ा अज एक हॉट कंट्री हॉट विशा बनिया होया, हर एक स्टूडेंट नूं जदों पुछा जांदा जिहड़ा विदेश जाना चाहुंदा तां 100 विचों 90-95 स्टूडेंट दा कहना मैं कैनेडा जाना। जदों इन्नी तादाद विच स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, इन्ने वड्डे लैवल ते एडवरटाइजमेंट की जा रही है, तां किते ना किते चंगी ते माड़े दोवें पक्ष रहणगे उहदे विच। किस पक्ष नूं तुसीं चंगा देखदे हो जां तुसीं किस तरह के बच्चे नूं एंटरटेन कर रहे हो, किहड़ा बच्चा तुहानूं लगता कि वह बच्चा कैनेडा नहीं जा सकता, चाहे उहनूं आइल्स दे नज़रिए तो देखिए कि उहदे बैंड्स घट ने या परसेंटेज देखिए कि उहदी परसेंटेज घट है, वह बच्चे नूं नहीं रिस्क लैना चाहिए, नहीं ट्राई करना चाहिए। एक गेम जिहड़ी ट्राई की बड़ी वड्डी खेडी जा रही है अज मार्केट च। कुलदीप जी, बड़ा हॉट टॉपिक उठाया आपने और मैं मतलब ब्लंडली में बोलना चाहूँगा, रियली में बच्चों को आज की डेट में मिसगाइड किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे कंसल्टेंट्स जिन्होंने कभी कनाडा वीज़ा नहीं लगाया था, जो सिंगापुर मलेशिया बच्चे भेजते थे, आज वो कनाडा भेज रहे हैं। उन बच्चों को जो सिंगापुर मलेशिया या फिर अपना थाईलैंड भी नहीं जा सकते थे, उन बच्चों को या साइप्रस भी नहीं जा सकते थे, उन बच्चों को कनाडा भेजा जा रहा है। विदाउट आइल्स आ जाओ, पांच बैंड आ जाओ, पर गलती बच्चों की भी है, कंसल्टेंट की गलती, कंसल्टेंट की कमी है तो स्टूडेंट्स की भी है, बट स्टूडेंट्स तो चाहता ही है, बड़ा ड्रीम चाहता ही है। सपना सर हर एक बच्चे का बड़ा है, हर एक बच्चा चाहता है कि वो एक जो उसका डिजायर कंट्री है, जिसका वो सपने लेता है, उसमें पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन मार्केट में जो मिसगाइडेंस हो रही है, उनके सपनों के साथ खेला जा रहा है, उन सब का रीजन है कि आज की डेट में बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है और बड़े पत्ते पे आज की डेट में रिफ्यूजल आ रहे हैं उन बच्चों के जो विदाउट आइल्स हैं, जो पांच बैंड पे हैं या 5.5 बैंड, जिनकी ओवरऑल परसेंटेज बहुत कम है, बिलो 60%। तो अब कंसल्टेंट्स क्या क्या गेम खेल रहे हैं, कुछ एडवांस ले रहे हैं, कुछ उनके फीस ट्रांसफर कराने में कमा रहे हैं, इस तरह से एक बच्चे को 2-2.5 लाख के नीचे दिया जा रहा है। रिजेक्शन तो है ही, रिजेक्शन करके भी लोगों को कमाया जा रहा है, लोगों से कमाया जा रहा है, स्टूडेंट से। चैनल्स पे भी मुझे या यूट्यूब पे भी या मेरे ऑफिस में भी ऐसे बच्चे हज़ारों आ रहे हैं जो रिजेक्शंस लेके आ रहे हैं। रिजेक्शंस के रीज़न के जी कोर्स अच्छा नहीं दिया या फिर स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं था, एक ऐसे कॉलेज में डाल दिया जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे अमाउंट्स में बच्चे अब्रॉड कनाडा की तरफ मूव कर रहे हैं या उनकी फीसें जा रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही है कि ऐसे बच्चों की रिजेक्शन आ रही हैं। जी जी जी, तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में जी। सो ज़रूरत जड़ी रहती है खुद रिसर्च करन दी, किसी दियाँ दिखाइया गल्लां, किसी दियाँ सुनाइया गल्लां या किसी के जिहड़े दावे किए जा रहे उन्होंने यकीन करने की बजाय खुद रिसर्च करो, खुद होमवर्क करो, अंबैसी की वैबसाइट पर जाओ, हाई कमीशन नू मेल करके, कॉलेजेस नू मेल करके तुसी सारियां चीज़ां वेरीफाई कर सकते हो। साड़ी भी कोशिश रहती है कि चंगे जिहड़े कंसल्टेंट्स ने उन्होंने तुहाडे रूबरू कराया जाए, सही जानकारी दी जाए। सो साडे नाल भी जिहड़े कंसल्टेंट ने उन्होंने जरिए भी तुसी जुड़ सकते हो, नंबर फ्लैश किया जा रहा, इस नंबर के उत्ते कॉल करके तुसी प्रदीप जी नाल गलबात कर सकते हो, हर तरह की जानकारी लै सकते हो, अपने प्रोफाइल बारे जिहड़ा डिस्कस किया जा सकता है। खास करके जनवरी इनटेक नूं टारगेट करांगे, बच्चे जिहड़े जनवरी इनटेक दे लई अप्लाई करना चाहुंदे ने किस तरह के रिजल्ट्स रहणगे, क्योंकि जे पिछले इनटेक्स देखिए 2-3 इनटेक्स विच काफ़ी पॉजिटिव रहा, वीज़ाज़ आए चाहे देरी नाल आए जां कुछ बच्चों के जल्दी वीज़ाज़ भी आए, की लगता है फ्यूचर दे विच भी इस तरह रहेगा जां हुण जिहड़ा एक लॉबी घट बैंड वाले बच्चों नू भी जिहड़ा अप्लाई किया जा रहा है और जिन्हां दी रिजेक्शन आ रही है वो चीज़ा इफेक्ट करनगियां हाई कमीशन नू, कितना कितने डाउट रिसोल्व रहनगियां। देखिए इस टाइम पे जो सिचुएशंस है कि सितंबर के लिए तो हम कंडीशनली वीज़ा ले रहे हैं और आप देख भी रहोगे कि यहाँ टेबल पर जी जी रखे हैं जिनको हम डिस्क्लोज भी करेंगे स्टूडेंट जी जी बिल्कुल के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर हम जैन इनटेक की बात करें तो जैन इनटेक रियली मतलब एक ऐसा इनटेक है, सितंबर और जैन दो इनटेक होते हैं जो बड़े मेजर इनटेक होते हैं, सबसे बड़ा सितंबर होता है, सेकंड अपना जैन निकल के आते हैं। तो आज की डेट में आप ये लगा लो पिछले एक साल से हम जैन इनटेक के लिए भी स्टूडेंट्स की अप्लीकेशन ले रहे हैं, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स ने तो अपनी कुछ प्रोग्राम्स को वैसे बंद भी कर दिया है या कॉलेजेस आज की डेट में इस तरीके से आ गए हैं कि वेस्टर्न ऑर्सिज को आपको प्रदीप जी आपको इतने स्टूडेंट्स ही भेज सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चा बहुत जा रहा है। तो रियली वी आर वेरी मतलब
वी हैव द ब्राइट फ्यूचर इन द कैनेडा, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं खासकर कैनेडा में, बड़ी होप है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम पे अपनी फाइल लगाओ, क्योंकि सक्सेस रेट रेस्पॉन्सिस का बहुत हाई है, कंटिन्यूसली वीजाज आ रहे हैं। तो बट मैं अगेन बोलना चाहूँगा कि हो सकता है अगर आप लेट हो जाए तो आपको मनपसंद कॉलेज मनपसंद कोर्स ना मिले, पर वो चीज़ें देखने को भी मिल रही हैं कि बहुत से कॉलेज ने अपनी सिटी जो कुछ मेन प्रोग्राम्स उनको वेट लिस्ट में डाल दिया है, उनकी सीटें फिल हो चुकी हैं, चाहे वो कंडीशनल ऑफर लेटर के साथ हैं या अनकंडीशनल के साथ हैं। तो मेजर इनटेक बनेगा जी जैन इनटेक, कोशिश यही है, यही एक टिप्स एंड स्ट्रेटजी है आपके लिए कि टाइम से पहले फाइल लगाओ, टाइम पे फाइल लगाओ ताकि आप वीज़ा ले सकें। जैसे मेरी जो कोशिश होती है कि मैं जैसे अब जैन इनटेक आएगा तो 4 सितंबर के बाद, क्योंकि सितंबर इनटेक स्टार्ट हो चुका होगा, तो हम जैन इनटेक के लिए फाइल डालने स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एम्बेसी उसके पास उस टाइम थोड़ा सा क्राउड नहीं होता, भीड़ नहीं होती, वो फाइल पहला होने तो प्रिपेयर कर लोगे वो फाइल। जी जी जी, अभी से सारे काम हो चुके हैं जी जी, जैन इनटेक के लिए अभी से ऑफर लेटर भी आ चुके हैं, GIC भी ट्रांसफर है, फीस भी ट्रांसफर हो गई है, फाइलें बनने लग रही हैं कंटिन्यूसली, ताकि हम सितंबर में ही जैन इनटेक के लिए फाइल डाल दें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के वीजा टाइम पे या टाइम से पहले ले लिए जाए। यही प्लानिंग है और प्लानिंग के साथ वर्क किया जाता है। सो एक बेहद जरूरी सुनेहा मैसेज उन्होंने बच्चों के लिए भी जो जनवरी अपलाई करना चाहते हैं, जिन्होंने लगता है अज सितंबर इनटेक के लिए ही फाइल अपलाई की जा रही ने, हुणे तो जिवें सर ने दस्सिया कि फाइल्स रेडी हो चुके हैं, GIC अकाउंट तक जिहड़े बच्चों के GIC ट्रांसफर हो चुके हैं, सारिया चीज़ा रेडी ने, सितंबर इनटेक खत्म होंदे सार ही जिहड़ा जनवरी के लिए फाइल लॉन्च कीतीआं जाणगीआं। पासपोर्ट्स लैके आयो, तुसीं वीज़ा लैके आयो, चंगा लगता जो अपनी मेहनत अपनी उपलब्धि दिखाई जाती, चाहे फेसबुक जरिए भी असं लगातार देखते रहने होर वक्त होकर चैनल जरिए। सो ज़्यादा समा नहीं होएगा, कुछ कु वीज़ा जो दिखाना चाहिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो रियली मतलब इस चैनल आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो अच्छा लगता है कि अगर उनको गुड न्यूज अगर चैनल के माध्यम से दी जाए तो बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोगों ने बच्चा नूर अंदर साडा नाम भी है जी जी किया है, चैनल पे फेथ किया है, रियली अगर उनको ये चीज चैनल के माध्यम से तो थोड़ी सी खुशी ज्यादा होगी। ये तकरीबन 40+ पासपोर्ट सभी ये वीजाज हैं जो तकरीबन इसके कहना में कनाडा के हैं। तो मैं स्टूडेंट्स के नाम बताना चाहूंगा बड़ी स्पीड से, ये मिस्टर विवेक शर्मा है जिनका कनाडा का वीजा है, दूसरा स्टूडेंट है जिसका हरजीत कौर है जिसका कनाडा का वीज़ा है, तीसरी स्टूडेंट है जिसका नाम है सरबजीत कौर, अगेन इसका कनाडा का वीज़ा है, ये स्टूडेंट है हरमनप्रीत कौर जिसका कनाडा का वीज़ा है, स्टूडेंट है नेक्स्ट जिसका कनाडा का वीज़ा है, आप ये देख सकते हैं, ये मिस नंदनी है जिसका कनाडा का वीज़ा है, स्टूडेंट है जगदीप शर्मा जिनका कनाडा का वीज़ा है, आप देख सकते हैं, इसके अलावा ये स्टूडेंट है अतिंदर पाल कनाडा का वीज़ा है, हरमनप्रीत कौर कनाडा का वीज़ा है, मिस्टर सुनील कनाडा का वीज़ा है, रोहित कनाडा का वीज़ा है, लोकप्रीत कौर ढिल्लो कनाडा का वीज़ा है, और ये मिस्टर सरमनप्रीत हैं जिनका कनाडा का वीज़ा है, इसके अलावा सिमरन है कनाडा का वीज़ा है, जसलीन कौर कनाडा का वीज़ा है, गुरप्रीत कौर कनाडा का वीज़ा है, हरपाल सिंह कनाडा का वीज़ा है, प्रवीण कुमार कनाडा का वीज़ा है, मिस्टर यस कनाडा का वीज़ा है, आसदीप सिंह कनाडा का वीज़ा है, मनमिंदर सिंह कनाडा का वीज़ा है, प्रीतपाल सिंह कनाडा का वीज़ा है, रणवीर सिंह कनाडा का वीज़ा है, परमजीत सिंह कनाडा का वीज़ा है, हरप्रीत कौर कनाडा का वीज़ा है, सरबजीत वालिया जिसका कनाडा का वीज़ा है, निशान कुमार कनाडा का वीज़ा है, मुकेश शर्मा कनाडा का वीज़ा है, रणवीर सिंह कनाडा का वीज़ा है, मिश्रिया कनाडा का वीज़ा है, सरबजीत सिंह कनाडा का वीज़ा है, जसनप्रीत कौर सिकोट कनाडा वीज़ा, रजनी शर्मा कनाडा का वीज़ा है, सरबजीत कौर कनाडा का वीज़ा है, मिस्टर राजीव कनाडा का वीज़ा है। दीज आर द कनाडा वीज़ा जो अभी किन्ने दिनों के रिजल्ट्स ने जिहड़े तुसी वीज़ा हर बार पैसे तो लैके आउंदे जी 3-4 दिन के पासपोर्ट्स हैं जिनके वीज़ा हैं। प्रोफाइल नू थोड़ा जा देखिए, कंबाइन एक देखिए तो किस तरह के बच्चे सी, इन्हां दा आईएलटीएस स्कोर की सी, परसेंटेज देखिए तो किस तरह की परसेंटेज, 5.5 बैंड वाले बच्चे भी हैं लेकिन वो बच्चे हैं जिनकी परसेंटेज बहुत आई है, ऐसे ही बच्चे हैं जिनके 6 बैंड है, एक मॉडल में 5 है के वो भी हैं, 6 बैंड नॉलेज देन 5.5 के भी हैं, 6 ईच के भी स्टूडेंट्स इसमें हैं और 6.5 इवन के 8 बैंड वाले बच्चे भी इसमें हैं।
और इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वेस्टर्न ओवरसीज से आयल्स की है और वेस्टर्न ओवरसीज से आयल्स करके वेस्टर्न ओवरसीज पर फेथ करके वेस्टर्न ओवरसीज से ही फाइल लगाई है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है जो बच्चे हमारे पास आते हैं, चाहे वो अम्बाला, चाहे चंडीगढ़, चाहे कुरुक्षेत्र, चाहे करनाल तो या जलंधर, हम उनको ऐसे स्टूडेंट्स को पहले हम खुद प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ में उनको हम सेमिनार, प्रेजेंटेशन और जो फॉरनर्स आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, उन सबसे मिलाया जाता है, बच्चों को पूरी एक तरह की काउंसलिंग दी जाती है और बच्चा फिर फेथ करता है बच्चों का, जब फाइल लगाते हैं तो डेफिनेटली वीजा आता है। तो अंडर वन रूफ दो टास्क हो जाते हैं, आर्ट्स में चंगा स्कोर दिलाना, फिर उनका वीजा लगवाना, दोनों वेस्ट कोर्सेज के काम है और वही रिजल्ट है जो बच्चे हमारे पास आते हैं जी जी फेथ करते हैं, आर्ट्स उनको अच्छे नंबर से कराते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने। एक मिनट का समा बच्चा, जिवें तुसीं दस्या वक्खो वक्खरे थावां ते ऑफिस ने, वक्खो वक्खरे शहरां दे विच बच्चे तुहाडे नाल जुड़दे ने, वीज़ा भी वक्खो वक्खरे जिहड़े शहरां दे बच्चे आंदे ने, कित्थे कित्थे तुहाडियां ब्रांचेस ने, अगर बच्चा तुहानूं मिलना चाहुंदा है किहड़े दिन मिल सकदा? देखिए मैं जलंधर फ्राइडे को बैठता हूँ, इसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ मिलना चाहते हैं तो आप मुझे मंडे, थर्सडे और सैटरडे को मिल सकते हैं। अम्बाला मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्यूसडे को बैठूँ और कुरुक्षेत्र और करनाल फर्स्ट हाफ में मैं 10 से 1 बजे तक करनाल होता हूँ और 2 से 6 बजे तक कुरुक्षेत्र होता हूँ जी। तो ये मेरा शेड्यूल है जी आज की डेट में। अदरवाइज आप मेरे फेसबुक पेज वेस्टर्न ओवरसीज 172 पे क्वेरीज करके भी आप मेरी अपॉइंटमेंट या मेरे बारे में जान सकते हैं किस डेट पर मैं कहाँ पे हूँ जी। शुक्रिया धन्यवाद सर शो दे विच ओनली। सो फेसबुक पेज वेस्टर्न ओवरसीज 172 नू लाइक करके मैसेज छड़ के तुसीं सवाल पूछ सकते हो, नंबर फ्लैश किया जा रहा, नंबर उत्ते कॉल करी जा सकती है, नेड़ले दफ्तर में जाके भी तुसीं हर तरह की स्टूडेंट वीज़ा संबंधी जां आईएलटीएस संबंधी जानकारी लै सकते हो। प्रदीप जी नूं मिलना चाहते इसे नंबर तो अपॉइंटमेंट लैके भी मिलया जा सकता है। फिलहाल दे लई मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद, सत श्री अकाल।